बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्रास टैक सर्वाइवल सीरीज में एक नई वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। हमसे बहुत ज्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि हम कोशिश करना चाहते हैं, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं वेपन फायरिंग को, टारगेट प्रैक्टिस को, लेकिन हमारे पास ना तो राइफल है और हमारे पास ना लाइसेंस है कि हम हथियार खरीद सकें, तो हम किस तरह प्रैक्टिस करें टारगेट प्रैक्टिस को, राइफल शूटिंग को। हमारे दीन में भी सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि तीरंदाजी सीखो, यानी टारगेट प्रैक्टिस करो, और हमारे दीन का, हमारे ईमान का हिस्सा है ये। तो आज हम एक जिस वीडियो को लेकर आपके पास आए उसका मकसद यही है कि एक ऐसा पाकिस्तानी कि जिसके पास वेपन लाइसेंस नहीं है, आपके पास हथियार खरीदने के लिए कानूनी लाइसेंस नहीं है, आप कानून के दायरे के अंदर रहते हुए किस तरह टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो आप मेरे साथ एक राइफल देख रहे हो मेरे हाथ में, ये देखने में प्रॉपर स्नाइपर राइफल लगती है, लॉन्ग रेंज टारगेट प्रैक्टिस के लिए इसके ऊपर स्कोप लगी हुई है, ये प्रॉपर राइफल है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड, इस हथियार को खरीदने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए आपको, इसको फायर करने के लिए आपको किसी की परमिशन और इजाजत की जरूरत नहीं है, आप अपने गली मोहल्ले में इसको फायर कर सकते हो। यस यू आर राइट, दिस इज एन एयरगन, ये एक एयरगन है। और एयरगन किस तरीके से आप खरीदो, कौन सी एयरगन खरीदो, उसके कैलिबर और बोर क्या होते हैं, उसको किस तरह आप एक प्रिसिशन वेपन में कन्वर्ट करो ताकि कम से कम 30 40 50 गज के ऊपर आप टारगेट प्रैक्टिस कर सके, और जो टेक्निक, जो प्रिंसिपल एक एयरगन के ऊपर टेलीस्कोप लगाकर टारगेट प्रैक्टिस करने का है, वही एक बड़ी स्नाइपर राइफल या G3 राइफल या क्लाशनकोफ या किसी बड़ी स्नाइपर राइफल का भी वही प्रिंसिपल है। अगर आप 40 50 60 70 गज के ऊपर एक एयरगन से टेलीस्कोप के जरिए टारगेट हिट कर सकते हो, तो आप 700 गज के ऊपर एक इंडियन सोल्जर को भी हिट कर सकते हो। सो प्रिंसिपल वही है, टेक्निक वही है। और आज हम आपको यही बताएंगे कि आप कौन सी एयरगन खरीदें, एयरगन्स कितनी तरह की मार्केट में हैं, उनके ऊपर टेलीस्कोप्स कौन सी लगाएं, और उनके छर्रे कौन से बेहतर हैं, और उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी जरूरी है, क्योंकि एयरगन बहरहाल एक लाइसेंस्ड वेपन नहीं है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये खतरनाक हथियार है। ये एयरगन जो आप देख रहे हैं, जो मेरे सामने है, ये पाकिस्तान में लीगली कानूनी अवेलेबल है, आप किसी भी असलहे की दुकान पर जाके अपने बच्चों के लिए इसको खरीद सकते हो, खुद अपने लिए खरीद सकते हो, लेकिन ये इतनी पावरफुल है कि ये एक खरगोश को, एक कुत्ते को, एक छोटे हिरन को शिकार कर सकती है, लिहाजा इंसान के लिए भी ये लीथल है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, इसकी अगर आप किसी इंसान की तरफ इसको फायर कर देंगे या एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार करेंगे, इससे कोई दूसरा पाकिस्तानी जख्मी भी हो सकता है, लिहाजा ये सारे तदाबीर आपको बताना जरूरी है। जिस तरह जैसे मैंने बात पहले कही थी कि सिर्फ गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ जाने से आप ड्राइवर नहीं बन जाते, इवन लाइसेंस मिल जाए आपको तो आप ड्राइवर नहीं बन जाते, उसके लिए ड्राइविंग सेंस चाहिए होती। इसी तरह सिर्फ एयरगन खरीद लेने से आप कोई मार्क्समैन नहीं बन जाते, आपको टारगेट प्रैक्टिस नहीं आ जाती, इसके लिए पूरी एक वेपन हैंडलिंग स्किल्स चाहिए, एक पूरी सेंस चाहिए, एक अकल चाहिए, एक समझदारी चाहिए। सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में है कि आपने मना फरमाया है मुसलमानों को कि तीर एक दूसरे की तरफ ना करो, यानी तीर एक दूसरे की तरफ ना करो का मतलब है कि कोई हथियार एक मुसलमान की तरफ पॉइंट ना करो। तो चाहे एयरगन ही क्यों ना हो, खाली क्यों ना हो, आप किसी भाई की तरफ इसको पॉइंट नहीं करेंगे। सो बहरहाल हम उस सारी तफसील के ऊपर अब आएंगे। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज अबाउट एयरगन्स, सो लेट्स स्टार्ट। ये एक एयरगन है, एयरगन के बारे में आप सारे जानते हैं कि इसको फायर करने के लिए कोई आतिशी असलाह इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए इसको एयरगन कहते हैं। कि इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि इसके अंदर एक एयर पिस्टन होता है, एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेस्ड एयर के जरिए इसमें छर्रे को आगे भेजा जाता है, इसमें गोली भी इस्तेमाल नहीं होती, इसमें छर्रे इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारे हाथ के ऊपर ये कुछ छर्रे रखे हुए हैं, ये आपको क्लोज में दिखा दिए जाएंगे। ये एयरगन के छर्रे जो हैं, इसमें कोई बारूद इस्तेमाल नहीं होता, इसी वजह से इनके लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर इनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाई क्वालिटी एयरगन्स हैं कि जिसके लिए कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन नॉर्मल मार्केट में जितनी भी एयरगन्स मिल रही हैं वो लीगल है, वैलिड है, आप अपने बच्चों को खरीद के दे सकते हैं, खुद ले सकते हैं, टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। तो बुनियादी तौर पर एयरगन्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, यानी एक सिंपल हम आसान करके आपको बता देते हैं कि आप अगर किसी दुकान पर जाके खरीदना चाहें तो क्या चीजें डिमांड करें आप। एयरगन्स
प्राइमरली अपने बोर्स की वजह से डिफाइन होती हैं। जिस तरह आपको पहले हमने बोर्स एंड कैलिबर्स के बारे में पूरा एक अलग लेक्चर दिया था, तो पाकिस्तान में भी जो एयरगन्स हैं आमतौर पर 1.22 एयरगन कहलाती है और 1.17 एयरगन कहलाती है। यानी 0.22 का जो 0.17 है उसको आमतौर पहले जमाने में एक नंबर की एयरगन भी कहा जाता था कि 0.17 कैलिबर है उसका, 0.17 ऑफ एन इंच उसका छर्रा जरा छोटा होता है। वो आप देख सकते हैं कि 0.17 कैलिबर का छर्रा जो है वो ये छोटा सा छर्रा है। इसके मुकाबले में जो 0.22 कैलिबर की एयरगन है उसका छर्रा जरा बड़ा और भारी होता है। अब दोनों के छर्रों को साथ रखें तो आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि एक नंबर की एयरगन या 0.17 की एयरगन जो है और 0.22 की एयरगन जो है उनका फर्क उनके छर्रों की वजह से। प्राइमरली पावर में, कैपेसिटी में, इस्तेमाल में कोई खास फर्क नहीं है दोनों एयरगन में। आप 0.17 वाली एयरगन ले लें या 0.22 की एयरगन ले लें, दे आर बोथ द प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली द सेम। नॉर्मली ब्रेक बैरल होती है। ब्रेक बैरल का मतलब है कि आप इनकी बैरल को ब्रेक करते हैं, यहां से बैरल को ब्रेक करते हैं, इसको नीचे पंप करते हैं और पंप करके इसमें छर्रा डालते हैं, बंद करते हैं एंड देन यू एम एंड फायर। जितने भी तकरीबन पिछले 50 साल से 60 साल से जो एयरगन्स बन रही हैं उन सब का यही प्रिंसिपल है, ब्रेक बैरल। आपने देखा होगा गुब्बारे फाड़ने वाले अक्सर मेलों ठेलों के ऊपर बैठे होते हैं कि वो गुब्बारे लगाए होते हैं, उन्होंने बैरल ब्रेक करते हैं, छर्रा डालते हैं, बंद करते हैं, फायर करते हैं। सिंगल शॉट होता है, एक वक्त में आप एक फायर कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू रीलोड द गन। जो चीज इंपॉर्टेंट एयरगन को समझने में है वो ये कि देखिए कि इसी एयरगन पे, जिस तरह आपने देखा हुआ है कि हमने टेलीस्कोप लगाई हुई और टेलीस्कोप लगाने के बाद अब आप इसको एक प्रिसिशन वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपने नॉर्मली एयरगन्स की जो रेंज है वो 25 गज से लेकर 100 गज तक होती है। 100 मीटर से आगे एयरगन्स जो है वो तकरीबन बहुत मुश्किल होता है एयरगन के लिए हिट करना, जख्मी कर सकती है किसी आदमी को, किसी जानवर को लग जाए। लेकिन प्रिसिशन एक्यूरेसी के साथ जो नॉर्मल एयरगन्स मार्केट में मिल रही हैं वो तकरीबन उनकी इफेक्टिव एक्यूरेट रेंज 50-75 यार्ड से ज्यादा नहीं है। लिहाजा इट्स अ सेफ वेपन इन द सेंस कि अगर आपके पास 100 गज का भी कोई खाली प्लॉट है या कोई आपके पास 60-70 गज 50 गज का एक खाली प्लॉट है, उसके पीछे दीवार है, तो आप वहां पर टारगेट्स लगाकर आप टारगेट प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। टारगेट्स आप चाहे गत्ते के बनाओ या इस तरह के मेटल टारगेट्स बाजार में बहुत सारे मिलते हैं कि जिन पर जब आप हिट करते हो तो ये प्लेट मूव करती है एंड यू कैन यूज दीज मेटल टारगेट्स के अपने टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए। आप चाहे गत्ते के बना लें, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज जहन में रखिए इसके हवाले से कि एयरगन का छर्रा भी क्योंकि सॉफ्ट लेड का बना होता है, आमतौर पर यह जस्ट का सॉफ्ट लेड का छर्रा होता है, और किसी भी अगर मेटल ऑब्जेक्ट पे ये टकराएगा, लोहे की किसी चीज पर टकराएगा, तो फिर इसके डिफ्लेक्ट करने के चांसेस होते हैं। ये डिफ्लेक्ट करता है तो दाएं बाएं भी, तो जरूरी नहीं है कि आप जिस छर्रे जिस टारगेट पे हिट कर रहे हैं अगर वो मेटल का है तो छर्रा वहां से डिफ्लेक्ट करके लेफ्ट राइट जा सकता है। लिहाजा आपको ऐसी इन्वायरमेंट में टारगेट प्रैक्टिस करनी है, फायर करना है कि जहां छर्रा या तो मिट्टी में दब जाए या लकड़ी में चला जाए जाके, या किसी गत्ते में चला जाए, रेत में चला जाए, डिफ्लेक्ट न करे, क्योंकि अगर डिफ्लेक्ट करेगा तो फिर दाएं बाएं लोगों को तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात ये कि मार्केट में कौन सी एयरगन बेहतर है, कौन सी एयरगन खरीदें। आप जब आजकल मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स आए हुए हैं, यानी ये पर्टिकुलर मॉडल जो है ये स्पेन की बनी हुई गामो एयरगन है। गामो एक बड़ा अच्छा मॉडल है, प्रिसिशन एयरगन कहलाती है ये। उसकी 0.22 वर्जन है, 0.22 राइफल है एयरगन की, और इसके आगे आप देख रहे हैं कि छोटा सा एक साइलेंसर टाइप भी लगा हुआ है, तो इसकी आवाज थोड़ी सी कम है। इसके डिफरेंट मॉडल हैं, इसकी प्राइस तकरीबन 24,000 रुपए है। नहीं, आप किसी भी असलाह की दुकान पर जाएं तो आपको गामो की 0.22 एयरगन ये तकरीबन 24,000 की मिल जाएगी। टेलीस्कोप आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। इसकी जो ओरिजिनल टेलीस्कोप है गामो की, वो ये आप देख रहे हैं कि ये एक छोटी टेलीस्कोप है। ये इस टेलीस्कोप की कीमत तकरीबन 4,000 रुपए के करीब। सो बेसिकली 24,000 की राइफल और 4,000 की टेलीस्कोप, तकरीबन 30,000 के अंदर आप ये पूरा अपना सेट बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आपके टारगेट प्रैक्टिस के लिए आसानी हो। ये जो एयरगन के छर्रे हैं जो इनके बाजार में एयरगन के साथ ही मिलते हैं, वो तो ये वाली तकरीबन ये स्पेनिश छर्रे हैं, इसी गन के साथ आते हैं। जैसे बताया गन के साथ टेलीस्कोप भी है, इसके छर्रे भी हैं। ये तकरीबन 500 रुपए की एक डब्बी है जिसमें 250 छर्रे होते हैं, तकरीबन 2 रुपए का आपको एक छर्रा पड़ता है। सो कंपेयर टू अगर आप 9mm की एक गोली है तो वो 45 रुपए की गोली है, अगर आप शॉर्ट गन का एक कार्ट्रिज है तो वो 50 रुपए का कार्ट्रिज है। उसके मुकाबले में
जो टारगेट प्रैक्टिस सीखने के लिए सबसे इकोनॉमिकल और सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक 0.22 की या 0.17 की एयरगन लीजिए, उसके ऊपर टेलीस्कोप लगाइए और ये बहुत सारे छर्रे खरीद कर इन छर्रों को लेकर आप टारगेट प्रैक्टिस कीजिए, तो तकरीबन आपको इनिशियल पैकेज जो है वो 28-30 हजार रुपए के अंदर मिल जाएगा। इसमें 10 हजार रुपए वाली एयरगन भी है स्पैनिश, अच्छी एयरगन जर्मन डायना की भी है, इसमें वॉल्थर की एयरगन भी है, वॉल्थर भी आ रही है, चाइनीज एयरगन बहुत अच्छी आ रही है, पाकिस्तानी एयरगन भी एक जमाने में बना करती थी लेकिन बहुत अरसे से मैंने देखी नहीं है, लेकिन अगर आप पता करें तो शायद आपको बहुत अच्छी पाकिस्तानी एयरगन भी मिल जाए। सो एयरगन टेक्नोलॉजी इज वेरी सिंपल, दुनिया की कई ममालिक में ये बहुत अच्छी एयरगन अब बन रही हैं जिनको प्रसेशन एयरगन कहा जाता है। लिहाजा ऑल यू हैव टू डू इज आप असलहे की दुकान पर जाएं, एक अच्छी एयरगन सेलेक्ट करें 0.22 या 0.17, उसके साथ एक छोटी सी टेलीस्कोप लें और चूंकि आपकी टारगेट रेंज ही 70-75 यार्ड से ज्यादा नहीं है लिहाजा आपको कोई इतनी भारी टेलीस्कोप लगाने की जरूरत नहीं। हमने इस पर बहुत बड़ी टेलीस्कोप लगाई हुई है लेकिन ये हम पूरा अलग एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दूरबीनों के ऊपर और टेलीस्कोप्स के ऊपर। तो बेसिकली जो बात आपको फिलहाल समझाने की है वो ये कि जब आप इसके ऊपर राइफल पर टेलीस्कोप फिट कर देते हैं तो अब आप टेक्निकली वो सारे फीचर्स पूरे कर रहे हैं कि जो एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल के होते हैं। तो चाहे आपके पास 7mm की राइफल हो या क्लाशनकोफ हो, उसके लाइसेंस नहीं है, वेपन्स नहीं है, तो वो सारी प्रैक्टिस आप अपनी इस एयरगन से कर सकते हैं। वो अब हम आपको थोड़ी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे। वील पुट दी एयरगन ऑन द टारगेट रेंज, हम बेंच, ये जो आप देख रहे हैं के साथ हमने इसको सैंड बैग पे रेस्ट किया हुआ है, ये रेत के बैग्स हैं, ये तीन रखे हुए हमने यहाँ पे, राइफल इनके ऊपर स्टेबल हो रही है। राइफल टेलीस्कोप से आप जब भी फायर करेंगे आपकी राइफल को स्टेबल होना जरूरी है, जब आप हाथ से उठाकर फायर करते हैं और तो लाजमन आपकी सांस के साथ राइफल मूव करती है, एक्यूरेसी डिस्टर्ब होती है और यही बात हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। ये जो टेलीस्कोप आप देख रहे हैं इसमें आप नोट कर रहे हैं कि इस टेलीस्कोप के अंदर, जब टेलीस्कोप के फीचर्स की आप बात करते हैं तो इसके अंदर आपको दो नॉब, एक ऊपर लगा हुआ है नॉब और एक साइड पे लगा हुआ नॉब, ये नजर आते हैं और टेलीस्कोप पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे इसके ऊपर नंबर लगा हुआ है 3x9x40। जब आप इसी एयरगन के साथ एक टेलीस्कोप लेते हैं तो बुनियादी तौर पर आप देखेंगे कि इस टेलीस्कोप के अंदर आपको यहां पर एक साइड पे नॉब लगा हुआ नजर आ रहा है और एक ऊपर नॉब नजर आ रहा है। इस टेलीस्कोप के अंदर एक क्रॉस वायर होती है, एक वायर होती है जो क्रॉस होती है और जब आप इसको यूं दूरबीन से आप इसको देखते हैं यहां से तो वो वायर आपको क्रॉस चकल में नजर आ रही होती है और उस वायर के बीच में आप टारगेट को रखते हैं और फायर करते हैं और अगर आपका छर्रा लेफ्ट या राइट किसी तरफ जा रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये विंडेज कहलाता है। राइट एंड लेफ्ट करना है अगर छर्रे को आपने तो आप इधर से करते हैं और अगर ऊपर और नीचे एडजस्ट करना है तो यहां से करते हैं ऊपर वाले नॉब्स के साथ, उसके ऊपर हम एक पूरी वीडियो अलग से रिकॉर्ड करेंगे। जो स्कोप की मेजरमेंट्स हैं, स्कोप को कैसे मेजर करते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3x9x40, ये इसका नंबर है। इसका मतलब यह है कि यह टेलीस्कोप 3 गुना मैग्नीफाई करती है और 9 गुना मैग्नीफाई करती है, 3x9x है ये, और उसके बाद 40mm, 40 जो आगे लिखा हुआ है वो 40mm का ये लेंस है आगे इसके, जो 40mm लेंस, तो जितना ज्यादा मैग्नीफाई करेगी टेलीस्कोप, ये 3x9 है, एक 3x15 की अगर कोई टेलीस्कोप है तो उसका मतलब है कि वो टारगेट को 3 गुने से 15 गुना तक मैग्नीफाई कर सकती है, इसमें जूम लगा हुआ है, और अगर कोई 3x10 है तो इसका मतलब है कि 3 गुना से 10 गुना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकती है। 10 गुना मैग्नीफाई करने का मतलब यह है कि टारगेट अगर 100 गज के ऊपर है तो आपको 10 गज पे नजर आएगा, इतना करीब नजर आएगा वो, और या 3 गुना मैग्नीफाई 3x 3 गुना 10 10x 10 गुना मैग्नीफाई करेगा। तो ये टेलीस्कोप पे लिखा होता है, जितनी ज्यादा पावर होती है टेलीस्कोप की उतनी वो महंगी होती है। और दूसरी चीज ये कि इसके अंदर ये जो लगे हुए हैं, जो नॉब्स लगे हुए हैं कि जिनकी जो उसके रेटिकल को कंट्रोल करते हैं, उसके प्लस माइनस साइन, जो बीच प्लस साइन लगा हुआ है जिससे आप टारगेट को देखते हैं, इसकी इंजीनियरिंग जितनी प्रिसाइस होगी, जितनी मुश्किल होगी, जितनी कीमती होगी, जितने अच्छे पार्ट्स लगे हुए होंगे उतनी ही ज्यादा ये टेलीस्कोप महंगी होगी। क्योंकि होता क्या है, जिस तरह गाड़ी के सस्पेंशन है, टायर रॉड एंड्स हैं, चेसिस है, जब आप झटकों में जाते हैं तो वो सारे लूज हो जाते हैं, खुल जाते हैं, इसी तरह टेलीस्कोप के ऊपर भी ये ग्रारियां होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपने टारगेट को ऊपर नीचे करना, तो फायर कर करके जो झटके लगते हैं उससे ये लूज हो जाते हैं, अंदर से चीजें हिल जाती हैं, तो फिर आपकी हर चंद फायर के बाद आपकी गोली टारगेट से ऑफ फायर करती है,
तो इसीलिए फिर एक्सपेंसिव टेलीस्कोप लगाई जाती है जो कि झटका बर्दाश्त कर सके, क्योंकि एयरगन पे बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंजेस नहीं होती, एयरगन के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिसिशन नहीं चाहिए होती, तो एक सस्ती एयरगन भी लोग सस्ती टेलीस्कोप भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो सामने का लेंस है ये 40 मिलीमीटर इसमें ट्यूब लगी हुई है, इसके अंदर जो टेलीस्कोप लगी हुई है इसके अंदर इसकी ट्यूब ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 60 मिलीमीटर के करीब है। तो जितनी ज्यादा आगे की ट्यूब चौड़ी होगी, जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतनी ज्यादा रोशनी टेलीस्कोप के अंदर आएगी और उतनी ज्यादा क्लियर टेलीस्कोप, क्लियर विजन आपको नजर आएगा। तो बेसिकली तीन चीजें, एक तो ये कि इसकी इंजीनियरिंग जो इसके रेटिकल को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करती है, दूसरा इसके ऑब्जेक्टिव लेंस कि ये लेंस जो है कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, इसमें कितनी रोशनी अंदर जाएगी। तो इन सब चीजों की वजह से टेलीस्कोप की कीमतें फर्क पड़ती हैं। इसी 25,000 की एयरगन के ऊपर आप 4,000 की टेलीस्कोप भी लगा सकते हैं, इसी पर आप ये 15,000 की टेलीस्कोप भी लगा सकते हैं और 1.5 लाख की टेलीस्कोप भी लगा सकते हैं, जो रात में भी देखती हो, डे नाइट आप इसको नाइट विजन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में भी आप खरगोश का शिकार कर सकते हैं। सो बाय जस्ट चेंजिंग द ऑप्टिक्स, बाय जस्ट चेंजिंग द टेलीस्कोप, आप इस एयरगन को अपने मोहल्ले की छिपकली, घर की छिपकली मारने से लेकर रात को जंगल में जाकर सुअर या खरगोश या हिरन के शिकार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ मॉडर्न एयरगन। तो ये जनरली हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। नाउ वी आर गोइंग टू टेक यू टू द रेंज, हम कुछ राउंड्स फायर करेंगे और आपको फिर ये बताएंगे कि इसी एयरगन की सेटिंग और एडजस्टमेंट किस तरह करें। इट कैन बी ग्रेट फन, आप पूरी फैमिली के साथ जाके किसी खुले मैदान में चले जाओ, ओपन एरिया में चले जाओ, आपके अगर घर के पास कोई खाली प्लॉट है तो उसके आगे आप छोटी सी टारगेट रेंज बना सकते हो। अगेन एज वी सेड कि अगर आप एहतियाती तदाबीर पूरी करें तो आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने गली मोहल्लों में देखा है कि वो कंधे पे एयरगन डाले गुब्बारे लिए फिरते हैं, लोग टारगेट प्रैक्टिस करते रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन एहतियाती तदाबीर आपको लाजमन करनी है। दिस इज अ पावरफुल गन, एयरगन आजकल मॉडर्न जितनी भी आ रही है, जैसे कहा कि ये बड़ी खतरनाक है और गो के लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन आपको एहतियाती तदाबीर पूरी करनी है वरना आप किसी को बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट द एयरगन्स। अब हम थोड़ा सा रेंज पे जाएंगे, टारगेट प्रैक्टिस करके आपको दिखाएंगे एंड दैट विल कंक्लूड आवर वीडियो। आपने ये देखा कि हम गन को किस तरह स्टेबल किए हुए हैं, यानी जब आप टेलीस्कोप से फायर करते हैं तो आपको गन को लाजमन एक रेस्ट पर रखना होता है। अगर आप सिर्फ मैं उठा के अगर फायर करूं तो ये हाथ हिलता रहेगा इसके ऊपर। आपने देखा कि हमने सामने गन को सैंड बैग पर रखा, और जितना ज्यादा आप नीचे हो सकते हैं, जितना आपके जिस्म के हिस्से जमीन से टच करेंगे, जैसे आपने देखा कि मेरी ये कोहनी भी जमीन से टच कर रही है, टेबल पर रखा हुआ है, इस हाथ को भी टेबल पर हमने रखा हुआ है, और ये गन शोल्डर पर मेरे सपोर्ट कर रही है। और जो चीज इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब आप टेलीस्कोप लगाते हैं ना, तो जो गन का ओरिजिनल बट है वो बहुत नीचे होता है, आपका फिर गाल जो है वो नीचे चली जाएगी और टेलीस्कोप आपकी आंख से ऊपर हो जाती है। लिहाजा आपको ये चीक रेस्ट एक लगाना पड़ता है, यहाँ पे रुई का या एक पैड यहाँ पे आपको छोटा सा बना के लगाना पड़ता है ताकि आपके गाल इसके ऊपर रेस्ट कर सके और आपकी आंख बिल्कुल इस टेलीस्कोप के इस लेंस के सामने आ सके। अगर आपकी आंख इससे नीचे होगी तो जाहिर है फिर आपको सर उठा के इसके अंदर देखना पड़ेगा और उसकी वजह से आपके गाल जो है वो बट पे नहीं होंगे और गन स्टेबल नहीं रहेगी। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन अ प्रिसिशन शूटिंग इज, चाहे वो एयरगन से कर रहे हो या राइफल से कर रहे हो, कि आप कितने स्टेबल हैं, आपकी गन कितनी स्टेबल है। और जितना आप जमीन के नजदीक होंगे, जितने आपके रेस्ट ज्यादा होंगे, गन की बैरल भी रेस्ट कर रही है, इसका बट मेरे कंधे पे रेस्ट कर रहा है, मेरे बाजू जो है वो मेज के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, और मेरे जो गाल हैं वो राइफल के इस पैड के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, और अब जब मैं टेलीस्कोप के अंदर से देखता हूं तो मुझे अपना टारगेट क्लियर नजर आता है। इसको मुझे अब ये मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने इसको किस जूम पे रखना है, मैंने फुल मैग्निफिकेशन पे यानी 15 पे रखूं या मैं इसको 3 पे रखूं, ये डिसाइड यहां से होता है। और अगर छर्रा लेफ्ट या राइट जा रहा है तो फिर मैं इन नॉब्स के जरिए ये डिसाइड करूंगा। अगर छर्रा राइट पे गया है तो मैं यहां से थोड़ा सा इसको लेफ्ट कर दूंगा, इस पर लिखा होता है कि लेफ्ट करने के लिए क्या कहां घुमाना है। अब चंद स्टेप घुमाते हैं और वो दोबारा फायर करेंगे तो छर्रा
लेफ्ट पे हो जाएगा, यानी सेंटर में आएगा। ऊपर जा रहा है तो यहां से मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा, फिर चल रहा टारगेट नीचे की तरफ फायर करेगा। सो बेसिकली बाकी डिटेल्स के टेलीस्कोप्स और दूरबीनों को उसके लिए जैसे हमने कहा हम अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि यूजिंग एन एयर गन, हम आप देख रहे हैं कि हम अपने मोहल्ले में हमने खाली प्लॉट पे एक आगे एक टारगेट लगाया हुआ और एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में इसको आप बड़े अच्छे तरीके से टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन एयरगन्स का एक फायदा और भी है कि इनमें सेफ्टी है। अगर आप ये देखें नीचे यहां पर, तो अगर मैंने इसको यहां पे नीचे किया हुआ तब ये फायर नहीं करेगी, हालांकि छर्रा इसमें मौजूद है। जब मैंने फायर करना है तो मैंने सेफ्टी को आगे किया एंड नाउ इट इज रेडी टू फायर अगेन। डिस्टेंस यहां से तकरीबन 30 यार्ड्स है और 30 गज के ऊपर एक एयरगन की एक्यूरेसी अगर इस पे जीरो है तो दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। एयरगन से आपने जैसे कहा कि 100-200 गज की शूटिंग नहीं करनी होती, ये 30-40-50-60 गज की है। एक दफा अगर आप 30 या 35 यार्ड्स के ऊपर एयरगन को जीरो कर लेते हैं तो उसके बाद और आपको टेक्निक मालूम है कि टेलीस्कोप से आपने फिर थोड़ा सा लॉन्ग रेंज कैसे फायर करना है, तो अगर 30 गज पे आप हिट कर सकते हैं तो 50 गज पे भी आप हिट कर सकते हैं विद अ लिटिल प्रैक्टिस। सो बेसिकली व्हाट वी हैव शोन यू इज कि अगर हम आपको ना बताएं कि ये एयरगन है तो ऑन द लुक्स ऑफ इट तो ये एक 7mm या 308 या एक प्रॉपर स्नाइपर राइफल लगती है। ऑल द फीचर्स दैट एनी गुड कॉम्बैट राइफल हैव, आप वो सारे फीचर्स इसमें इनकॉर्पोरेट करके उसी तरीके से ब्रीदिंग कंट्रोल है, उसी तरह टेलीस्कोप से देखना है, उसी तरह रेंज सेटिंग है, उसी तरीके से गन को रेस्ट करना है, वो सारे फीचर्स, वो सारी प्रैक्टिस आप अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, आप अपने गांव में कर सकते हैं, आप अपने घर के पास खाली प्लॉट में कर सकते हैं, अगर आपके पास एक प्रॉपर डिसेंट एयरगन हो और आपने उसके ऊपर एक अच्छी टेलीस्कोप लगाई हुई हो। सो दिस इज आवर लेक्चर फॉर टुडे। इंशाल्लाह आइंदा हम आपके पास आएंगे तो आपको टेलीस्कोप्स और दूरबीनों के बारे में बताएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डू सम टारगेट प्रैक्टिस। एक बात ध्यान में रखिएगा कि टेलीस्कोप से जब आप देखते हैं तो अगर आपने अपनी आंख को बहुत ज्यादा नजदीक कर दिया टेलीस्कोप के तब भी आपको ठीक नजर नहीं आएगा, और अगर आपने बहुत दूर कर दिया तब भी आपको नजर नहीं आएगा। आपको जब पूरी स्क्रीन के अंदर पूरा टारगेट आपको जब स्क्रीन के अंदर नजर आए उसका एक खास डिस्टेंस होता है और वो हर आदमी को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि यहां रख के होगा, इससे आगे होगा या इससे आगे होगा। और जब आपको पूरी स्क्रीन नजर आती है तो नॉर्मली वो 2-2.5 इंच का फासला होता है आपकी आंख में और टेलीस्कोप के दरमियान, और उसका वो फासला इसलिए भी जरूरी है कि जब झटका लगता है वरना ये चीज आपके माथे पे टकराएगी और कट डाल देगी। जो बहुत ज्यादा आंख अगर आपने लगा दी टेलीस्कोप के साथ और फायर किया तो लाजमन आपकी माथे पे चोट आएगी और अक्सर कट लग जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है वो ये कि ये जो एयरगन के छर्रे हैं ये लेड के बने हुए होते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा है कि छर्रे मुंह में डाल लेते हैं और एक एक करके निकाल के फायर करते हैं, ये बहुत खतरनाक काम है, कभी ना करें, क्योंकि ये लेड के छर्रे जहर होते हैं, पॉइजन है। जब आप बहुत सारी एयरगन की फायरिंग करें तो लाजमन अपने हाथ को धोएं, किसी चीज को इस्तेमाल खाने पीने की चीज को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हाथों को धोइए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट लेड के बने हुए छर्रे हैं और अगर इनके छोटे जर्रात आपके खाने में ये आपके हाथ पे लग के पेट में चले गए तो लेड पॉइजनिंग का अंदेशा होता है। सो बी वेरी केयरफुल। एक चीज और, गो के ये दोनों एयरगन के छर्रे हैं लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि इसमें एक छर्रे जो हैं वो पॉइंटेड हेड्स हैं और दूसरे जो हैं वो फ्लैट हेड्स हैं। हमने अपने एक्सपेरिमेंट से फायर करके ये देखा है कि ये जो पॉइंटेड हेड के छर्रे हैं जो नोक होती है आगे इनकी, ये इतने एक्यूरेट नहीं है जितने ये फ्लैट हेड है। और क्योंकि फ्लाइट पैटर्न में जब ये पॉइंटेड हैं उड़ते हैं हवा इनको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करती है, चंद इंच 2 इंच तक ऊपर नीचे ये
टारगेट से हो जाते हैं। जो फ्लैट हैं इनकी फ्लाइट जरा ज्यादा स्टेबल है। सो व्हाट वी हैव सीन इज थ्रू आवर एक्सपेरिमेंट, हर एक की अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन हमारे तजुर्बे में ये बात आई है कि हम अपनी टारगेट प्रैक्टिस के लिए जब हम एक्यूरेट फायरिंग करनी होती है तो हम ये फ्लैट वाले छर्रे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो ये सेफ्टी प्रिकॉशन जब आप मेंटेन करेंगे, जैसे आपने देखा कि हमने ये सामने आपने देखा कि हमने प्रॉपर लकड़ी पीछे लगाई हुई है, तो छर्रा अगर उस हमारे टारगेट पे हिट नहीं भी करता, पीछे लकड़ी में जाता है, तो लकड़ी इसको अपने अंदर जज्ब कर लेगी, लकड़ी में खुप जाएगा जाके। और सो नाउ बेसिकली दिस इज योर टारगेट प्रैक्टिस वेपन। इसको थोड़ा सा पैसे जमा कीजिए, 30,000 के अंदर अंदर, या अगर आप सस्ती एयरगन लेते हैं गामो की, तकरीबन 15,000 के अंदर अंदर आप ये पूरा सेटअप तैयार कर सकते हैं। इट्स नॉट एक्सपेंसिव और इट्स ग्रेट फन फॉर द फैमिली। खवातीन को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, छोटी उम्र से बच्चों को ट्रेन करें, और खासतौर पर अगर आपको टेलीस्कोप से टारगेट हिट करना आ गया तो दैट्स ऑलवेज अ ग्रेट एडवांटेज। आपको आइंदा कभी खुराक जमा करनी हो, खाना जमा करना हो, कोई छोटे मोटे चूहे को, छिपकली को, खरगोश को शिकार करना हो, तो इन सारी चीजों के लिए एयरगन इज अ वेरी गुड वेपन। लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, लोगों को इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है, लेकिन आजकल बड़ी अच्छी एयरगन्स आ गई हैं टेलीस्कोप के साथ, ये बड़ी एक्यूरेट है, तो 60-70 यार्ड्स के ऊपर भी आप एक खरगोश शिकार कर सकते हैं। एंड दैट्स अगेन अ ग्रेट फन टारगेट प्रैक्टिस के लिए भी। लेकिन एक बात आखिरी ताकीद, अगर आपको भूख ना लगी हो, खाना ना खाना हो, आपने भूखे ना मर रहे हो, तो बिला वजह जानवरों को ना कत्ल कीजिएगा। जानवर सिर्फ उसी वक्त मारे जब आपने उनको खाना है, शिकार करना है, शरीयत के तहत आपको उस वक्त इजाजत है। तफरी करने के लिए अगर आपने चिड़ियों को, परिंदों को, कौवों को बिला वजह, बगैर किसी चीज के, वो आपको नुकसान नहीं दे रहे और आप उन्हें कत्ल कर रहे हैं, ये बड़ा जुल्म है, ऐसा कभी ना कीजिएगा। प्रैक्टिस ऑन द टारगेट्स, प्रैक्टिस ऑन मेटल टारगेट्स, वुडन प्लेट्स, एनीथिंग एल्स, बट नॉट ऑन द एनिमल्स। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। जज़ाकअल्लाह।